कांग्रेस नेता सतीश गर्ग होली का एक बहुत ही भद्दा बयान सामने आ रहा है। दरअसल कांग्रेस के ये नेता कितने महान हैं और इन्होंने कैसे शब्द का प्रयोग किया है हिंदू के लिए, आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। इनका मानना है, इनका कहना है कि जो हिंदू शब्द है वो फारसी है, वो कहीं और से लिया गया है, किसी और देश से उठाया गया है। इन्होंने कहा है कि आपको विश्वास नहीं होता है तो व्हाट्सएप पे चेक कर लीजिए। तो भाई, इनकी बातों से यही लगता है, साफ साफ जाहिर है कि इनके जैसा इंसान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही पढ़ के आ सकता है, जो हिंदू शब्द को एक फारसी शब्द कह सकता है। बताइए, मैं अभी वहीं खोल के बैठी हूँ, मैं आपको बताती हूँ साफ साफ, अभी गूगल के जरिए बताती हूँ कि हिंदू शब्द असलियत में कहाँ से लिया गया है। बता दें कि भारत के नवीशियों की सिंधु नदी से हिंदू नाम पड़ा है। भारत के निवासियों का पंत संतान धर्म होने के कारण इन्हें हिंदू धर्म भी कहते हैं। यानी कि ये सिंधु जो हिंदू जो एक नदी है उसकी वजह से जो हमारा जो हिंदुस्तान है उनका नाम पड़ा, लेकिन इनको कितनी खुजली हो रही है, इनको हिंदू शब्द से कितनी खुजली हो रही है, इनके बयान के जरिए आप साफ साफ सुन सकते हैं। डालिए इस वीडियो पे नज़र। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म, हिंदू शब्द कहाँ से आ गया है? ये हमारा है, पर्शियन का है, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा ये हिंदू? चर्चा होना चाहिए। अभी व्हाट्सएप में, विकिपीडिया में देखो, पर्शियन कहाँ से आ गया शब्द, आपका नहीं है। फिर आपको इतने उसको ऊपर बिठा के क्यों आप जा रहे हैं? आपका नहीं है वो शब्द। फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके अब शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। ये तो मैंने कह रहा हूँ, स्वामी जी ने क्या बोला ना, ये ऑलरेडी वेबसाइट में है। कहीं का धर्म, कहीं का शब्द आप लाके हमारे ऊपर जबरदस्ती डाल रहे हैं। चर्चा होना चाहिए किसका है, कहाँ। अगर सतीश जी से बोल दिया जाए कि उनको बयान देना हो कुरान पे या बाइबल पे, तो इनकी यहीं पे बोलती बंद हो जाएगी, यहीं पे इनको सांप सूंघ जाएगा। लेकिन अगर बात हिंदुओं की हो, हिंदुस्तान की हो, यहाँ पे रहने वाले हिंदुओं की हो, तो इनको देखिए, ये बड़बोली की तरह कुछ भी बोलने से पहले एक मिनट का भी सोचेंगे नहीं। हालांकि इसके ऊपर लोगों का बहुत आक्रोश है, जितने भी पंडित हैं, लोग हैं, ब्राह्मण हैं, वो सब इनके ऊपर अपनी आक्रोश दिखा रहे हैं कि ये कैसे एक हिंदू शब्द को गंदा बोल सकते हैं। इनका मानना है कि बीजेपी जो है वो हिंदू शब्द को इनके ऊपर जबरदस्ती थोप रही है। तो भाई, आपको बता दूं कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में रह के अगर हम हिंदू हिंदू ना बोले तो आप क्या चाहते हैं, क्या बोला जाए? आपके इस बयान से साफ पता चलता है, कहते हैं ना कि चाहे जितना भी कुछ कर लो, लेकिन कुछ लोग हैं जो सुधर नहीं सकते। कुत्ते के दुम में चाहे कितना भी तेल लगा लो, कितने भी मालिश कर लो, लेकिन वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। और कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने बयान से पीछे नहीं हटते, बाज नहीं आते, और ये भी कभी सीधे नहीं हो सकते। देखते हैं कि इसके ऊपर कांग्रेस के अध्यक्ष का क्या बयान सामने आता है। लेकिन इस बयान की निंदा की जा रही है सबसे, और बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस नेताओं को जल्द से जल्द इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आपकी इस खबर पे क्या प्रतिक्रिया है और आपकी इस लाइन के ऊपर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कॉमेंट के जरिए जरूर लिख के बताइए। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए हॉकविट। तब तक के लिए जय हिंद।